मैं जी एजुसेट चौकीदार हूँ। अच्छा, पांचवी क्लास की स्कूल में कन्या पाठशाला में। ठीक है। अब मैंने 1000 रुपए मिल रहे 2007 से लगे हूँ और अभी तक 1000 ही रुपए मिल रहे। तो सरकार ने पैसे वैसे नहीं बढ़ाए? कुछ भी नहीं बढ़ाया मोदी सरकार ने। मोदी कहता मैं भी चौकीदार, सारे चौकीदार मेरे तो बढ़े नहीं अभी तक। तो सिरसा क्षेत्र में अभी सरसों आ रही होगी? हाँ जी। खरीद हो रही है मंडियों में? खरीद नहीं हो रही है जी। अच्छा, वो हमारे साथ मान लो एक धोखा ही है। अच्छा, यहाँ तो लाए तो 3300-3200 बिकती है, वहाँ 4200 रुपए है। वहाँ कभी तो कहते हैं फर्द ले आओ, कभी कहते हैं वो गिरदावरी की नकल ले आओ। भाजपा तो कहती है हमने सबकी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, आरती के बीच में। वो कुछ नहीं है जी, सब सब झूठ है ये। ठीक हो जी। अरे एक सर्वे चल रहा है, ये बताओ सिरसा लोकसभा क्षेत्र में किसकी ज्यादा हवा है? देखो जी, पता नहीं हमारे को तो। अच्छा, बूढ़ा बढ़े बैठे रहे, सर्वे ज्यादा रहे। कोई बात नहीं। कांग्रेस का ज्यादा जलवा है बीजेपी का? देखो लगभग दोनों बराबर से टक्कर लगे मान दो। अच्छा, यही सुना था पर गाँव इनेल्लो का पहले सांसद था चरणजीत रोड़ी, तो कभी आया था हल्के में? क्या रहेगा उसका? अच्छा, बढ़ने के बाद में सकल ही कौन दिखाई यहाँ आगे? सरदार जी कौन बने वो? अच्छा, भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसको ठीक समझते? दोनों ठीक ही है, जो आज वो ठीक है, अच्छा काम करेगी वही अच्छी है। गलत है कांग्रेस का अशोक तंवर है, हमारा तो यहाँ अशोक तंवर ने भी काम खूब करे है। आज तक के इतिहास में जब हरियाणा बने 1966 के उसके बाद में सही धरातल पे ग्रास रूट पे अगर देखें तो डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी जो जिस प्रकार से नया कैंडिडेट आया था उस हिसाब से गांव हर गांव के अंदर डॉक्टर साहब ने पहचान बनाई है। और सुनीता दुग्गल, अभी 5 साल की हम बात करें जो बीजेपी का एक चेहरा भी इन्होंने उतारा है, सुनीता दुग्गल जी सरकार होते हुए भी ऐसा कोई भी सरसा के अंदर ना तो नया कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ना ही ये गाँव में अब इलेक्शन आया है तो इन्होंने जब दबा दबी गांव में जा रहे हैं। सारा समीकरण देखें तो उस हिसाब से हार जीत का जो मार्जिन रहेगा वो बहुत ही थोड़ा रहेगा, मतलब उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, तो मेरा मानना तो यही है। डॉक्टर अशोक तंवर जो हैं 2009 में यहाँ से सांसद चुने गए थे जी, लास्ट टाइम वो हार गए थे जी। सुनीता दुग्गल यहाँ के लोगों के लिए नया चेहरा है जी, तो क्या अशोक तंवर को इसका कोई बेनिफिट मिलता है कि वो एक बार सांसद रह चुके हैं? बिल्कुल मिलता है, लोगों के सुख दुख में भी जाते हैं वो। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हम आए हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। आपको बता दें सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा हलके आते हैं, इनमें से 5 विधानसभा हलके सिरसा जिले के, 3 विधानसभा हलके फतेहाबाद के और 1 विधानसभा हलका नरवाना जो जींद जिले में आता है, यानी कि कुल मिलाकर 9 विधानसभा हलके सिरसा में आते हैं। सिरसा में इस वक्त इनेलो के सांसद हैं चरणजीत सिंह रोड़ी, और अभी फिलहाल इस चुनाव के लिए यानी कि 2019 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को बनाया हुआ है, बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को बनाया है। हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अशोक तंवर जो इस वक्त कांग्रेस के घोषित हो चुके हैं प्रत्याशी, वो 2009 में सांसद भी रह चुके हैं यहाँ पर, और विधानसभा के लिए जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें CM की रेस में भी माने जाते हैं। ऐसे में जनता अशोक तंवर को लेकर क्या राय रखती है, ये भी हम सवाल करेंगे। तो आइए सीधे आपको लोगों से मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम माया राम है जी। आप खेतीबाड़ी करते हैं? क्या काम करते हैं? हाँ, खेतीबाड़ी करते हैं। सिरसा क्षेत्र में अभी सरसों आ रही होगी? हाँ जी। खरीद हो रही है मंडियों में? खरीद नहीं हो रही है जी। अच्छा, वो हमारे साथ मान लो एक धोखा ही है। अच्छा, यहाँ तो लाए तो 3300-3200 बिकती है, वहाँ 4200 रुपए है, वहाँ कभी तो कहते हैं फर्द ले आओ, कभी कहते हैं वो गिरदावरी की नकल ले आओ। भाजपा तो कहती है हमने सबकी ऑनलाइन खरीद रहे हैं आरती के बीच में। वो कुछ नहीं है जी, सब सब झूठ है ये। अच्छा, हमारे साथ ये सरसों का तो बहुत ही भेदभाव हो रहा है। जब फतेहाबाद जिला है यहाँ तो भट्ठू हम क्यों जाएं? भट्ठू कहाँ हमारे को, कोई वहाँ कौन आड़ती है हमारा, किसके पास बैठेंगे, किसके पास जाएंगे? ना हमारे वो सरसों की कोई रुखाड़ी का कोई वहाँ है तो नहीं। जुम्मार भाई सरसों को रात को कौन उसको रुखाड़ी करेगा? दो दो तीन तीन दिन वहाँ बैठो, अभी तो हम चक्कर ही काट रहे हैं। अब पता किया बोले ऑनलाइन का वो तो किसान जो सरकार की पॉलिसी से नाराज हैं
तो इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा? चुनाव में असर तो पड़ेगा। देखो अब जैसे मेरे पास 31 एकड़ है सरसों। अच्छा, मैंने खुद मेरे नाम करवा लिया। हम 8 घर के सदस्य हैं, अलग अलग घर हमारे, अलग अलग सदस्य। मान लो वो भूमि है वो मुस्तरका है, तो उसमें कहते हैं आपको तो 5 एकड़ की मिलेगी, आपने पहले अलग अलग करवाने थे। तो कुल मिला के हम इससे परेशान है। टेक्निकल रीजन से किसानों को परेशान कर रही है। हाँ, परेशान कर रही है इसमें, चाहे कोई भाव लगा लो। कांग्रेस में भी ऐसा था? कांग्रेस में ऐसा नहीं था, वो ठीक थी। हाँ, वो ठीक थी जमींदार के लिए। तो कोई सामान खरीदना तो इतने पैसे कहाँ से आए, वो कहाँ से निकलाने हैं? देखो जमींदार को तो नकद बगैर कोई काम ही नहीं चलता। सारे जमींदार तो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो है नहीं भी वो सारे भाई काम चला लेंगे। सिरसा में आपके पिछली योजना में डॉक्टर अशोक तंवर सांसद थे यहाँ से, तो उनके वक्त कोई काम वाम कोई हुआ? कोई काम तो अच्छे हुए थे उनकी वजह, ठीक था यहाँ। मतलब ये ऐसा नहीं था भाई जमींदार कहीं भटक रहा हो, भाई ये 4200 का लालच दे दिया वहाँ और उसके पीछे हम आज तो ना घर के ना घाट के। अच्छा, इससे तो ये सरकार ना ही देती ना रेट, तो हम 3300 में बैठ के आराम से घर खुशी से जाते। अब एक तो बेच रहा है 4200 और हम बेच रहे हैं 3300। अच्छा, ये अन्याय है हमारे साथ। जब मैंने खुद रजिस्ट्रेशन करवाया है, मैंने कहा 8 संभाग है, जब हमारी फर्द में आ गए तो वो 8 संभाग मिलेंगे, तो 8 संभाग का क्यों नहीं देते हमारे को? अब मैं इतनी उम्र हो रही है मेरी 62-63 साल, अब मैं कहाँ से मान लो इसका दोबारा जाते, तो कहते हैं साइड बंद है। आम जनता के पास तो चुनाव के वक्त होता है हथियार वोट का। हाँ, उससे पहले तो वोट का हथियार तो हम वो प्रयोग करेंगे। वोट कहाँ जाएगा? सरकार तो वोट तो हमारे सरकार के खिलाफ ही जाएगा। देखो हमारे साथ धोखा किया है इन्होंने। अच्छा भाई, सरसों जैसे कणिक की खरीद होती है उस तरह क्यों ना कर दे ये सरकार? कणिक का जो रेट है उस तरह सरसों को कर दे। भट्ठों में हड़ताल हो रही है, यहाँ हम दुखी हो रहे हैं, मंडी आदू पर में हड़ताल हो रही है, सरसों का कारण बन रहा है ये सारा। अच्छा, आपका काम दफ्तरों में पड़ता रहता है, किसान ऐसी बात नहीं हर जगह जाता है, तो दफ्तरों में भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, उतना ही ना? भ्रष्टाचार कम क्या, काम बंद हो गया हमारे, कोई काम ना सही होता ना गलत होता है, काम होते ही नहीं है। अभी जो मौजूदा सांसद है चरणजीत सिंह रोड़ी है इनेलो से, उसने हल्के में काम वाम किए? कभी आया? कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सरदार है इतना पता है। ठीक हो जी। अरे एक सर्वे चल रहा है, यूँ बताओ सिरसा लोकसभा क्षेत्र में किसकी ज्यादा हवा है? देखो जी, पता नहीं हमारे को तो अब तक, तुम बूढ़ा बढ़े बैठे रहे, मांगे सर्वे ज्यादा रहे। कोई बात नहीं, कांग्रेस का ज्यादा जलवा है बीजेपी का? देखो लगभग दोनों बराबर से टक्कर लगे मान दो। अच्छा भैया, ये सुना था गाँव इनेलो का पहले सांसद था चरणजीत रोड़ी, तो कभी आया था हल्के में? क्या रहेगा उसका जवाब? अच्छा, बढ़ने के बाद में सकल ही कौन दिखाई यहाँ आगे? सरदार जी कौन बने वो? अच्छा, भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसको ठीक समझते? दोनों ठीक ही है, जो आज ये बहुत ठीक है, अच्छा काम करेगी वही अच्छी है, कहाँ गलत है? कांग्रेस का अशोक तंवर है, हमारा तो यहाँ अशोक तंवर ने भी काम खूब करे है। 2009 से 2014 के बीच में अशोक तंवर था, बहुत ज्यादा वो दिवाया उसने ग्रांट गाँव में काम के लिए, ऐसी बात नहीं। अशोक तंवर जब था तो कोई काम किए थे? हाँ, तो उसी ने तो गिल्ला खेड़ा जब यहाँ का मंत्री था इस जिले में, तो अशोक तंवर इस बार फिर खड़ा होता है, तो वोट वाट है? हाँ देखो, अभी वो तो भाई काम के ऊपर तो देने उसी को सही है, नहीं दे या ना दे अगले मर्जी हो, तो काम तो करे। अच्छा, मोदी में राहुल में किसको ठीक समझते हो? इस चीज़ का हमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। चलो, अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल, उनमें से पसंद कौन सी? नहीं, दुग्गल दागल को हम जाना, हम तो तंवर को ही वही आया करता हमारे यहाँ तो, और वही उसने काम कराया। क्योंकि ये माना जाता है अभी तंवर जो है यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ेगा, उसके बाद में मुख्यमंत्री पद का एक दावेदार भी है। इसका देवी क्यों कौन क्या सिखा सके, वो तो आगे की आगे देखी जाएगी, तो उसका फर्क पड़ेगा, उसको वोट ज़्यादा मिलेगा इस बात से कि वो दावेदार है सीएम का? फर्क तो हो ही, सीएम का तो दावेदार का तो फर्क हो ही। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम तो कृष्ण है। राम राम भाई साहब, क्या ले? अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट ले आवेंगे थारा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अशोक तंवर तो कांग्रेस से है और दुग्गल जो है बीजेपी से आ सकती है, कौन ठीक है? अशोक तंवर ठीक रहे नहीं? अच्छा, पहले जब था सांसद काम वाम कराए थे अशोक तंवर ने? कराया, काम आया भी होगा।
आया था तो ये फसल बीमा योजना है, ठीक है, ये ठीक है। ये ऐसे है भाई, फसल बीमा मान लो सर्वे पूरी अच्छी तरह होना चाहिए। सर्वे ठीक नहीं हो रहा? हाँ, सर्वे ठीक नहीं हो रहा। इसमें सरकार की कमी है, किसकी कमी है? सरकार की कमी है इसमें। अब ये सर चूंकि ये जो तो सरकार को बोला नहीं भाई ये आपकी कमी है, कोई सरकार का नुमाइंदा है? अब तो नुमाइंदा तो कोई आया नहीं, नुमाइंदा तो यहाँ आता नहीं कोई। इनेलो का क्या रहेगा? बीजेपी के हमारे का मुकाबला किस पे रहेगा, बीजेपी कांग्रेस में या किसी और में? बीजेपी कर्मचारी फिलहाल काम करते ही नहीं जी है, बस मेन बात है। मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री आना ही नहीं है। भ्रष्टाचार सरकार में कम हुआ है? कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है। थाने तहसील में खत्म हो गया? कम हुआ है लगभग, मतलब अंकुश लगा है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। कोशिश जारी है मोदी की भाई आने वाली सरकार में बंद हो जाए। सरकार ये दावा करती है भी भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है, तो लेकिन पूर्णतया नहीं हुआ है। थाने तहसील में भ्रष्टाचार है या खत्म हो गया? कम हो गया बता रहे हैं, खत्म नहीं हुआ पहले नहीं। हाँ वाली बात नहीं है। आपको क्या नाम सर? उग्र सेन। उग्र सेन जी, तो क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी तो मोदी की हवा है या नहीं? हम तो वोट मोदी को देंगे। मोदी को देंगे? कैंडिडेट कोई भी आए? कोई भी। तो मोदी ने किस बात से प्रभावित हो मोदी की? देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि चौटाला भी दावा करता है हमारा सिरसा जो है हमारा गढ़ है। नहीं आएगा, जरूर आएगा, ये बात नहीं। अभी बिल्कुल आया नहीं आया, इस बात से फर्क पड़ेगा? फर्क तो पूरा ही पड़ेगा, आएगा नहीं बिल्कुल, मतलब जीतेगा नहीं, जीतेगा नहीं, वोट जरूर आएंगे कुछ कुछ। ये हो रहा है कोई भी होगा नहीं, कामरेड के भी वोट आते हैं दो चार, कामरेड भी है। हम इस वक्त सिरसा लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद में हैं और फतेहाबाद में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन मिड्डा जी। इनसे जानना चाहेंगे कि स्थिति क्या है। केतन जी स्वागत है एक मत पोस्ट में। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अभी क्या स्थिति आप देखते हैं? भाजपा है, कांग्रेस है, इनेलो है, क्योंकि आपका मौजूदा सांसद जो है इनेलो से हैं चरणजीत रोड़ी, और कांग्रेस से कांग्रेस पहले ही कह चुकी है क्योंकि डॉक्टर अशोक तंवर उम्मीदवार होंगे, और भाजपा ने आज ही जो है सुनीता दुग्गल को यहाँ से घोषित किया है उनको उम्मीदवार के तौर पर। तो आप क्या स्थिति देखते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो? पहले तो मैं आपका फतेहाबाद पहुँचने पर स्वागत करूँगा। शुक्रिया। और अभी तक हमारी कोई भी ऑफिशियली जिस प्रकार कांग्रेस की कोई भी ऑफिशियली हुई नहीं है, और ऑफिशियली अभी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की हो चुकी है और लोकदल की भी की ऑफिशियली नहीं हुई, तो अभी ये कहना असंभव है कि कौन जीतता है या कौन हारता है, ऐसा कुछ भी कहना मतलब अभी ठीक नहीं समझता मैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ से देखा जाए बीजेपी से श्रीमती सुनीता दुग्गल लड़ती हैं और कांग्रेस से अशोक तंवर जी लड़ते हैं, तो इसमें बहुत ही कंटेस्ट रहेगा। अच्छा, ये मतलब हमें सारा समीकरण देखें तो उस हिसाब से हार जीत का जो मार्जिन रहेगा वो बहुत ही थोड़ा रहेगा, मतलब उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, तो मेरा मानना तो यही है। डॉक्टर अशोक तंवर जो हैं 2009 में यहाँ से सांसद चुने गए थे जी, लास्ट टाइम वो हार गए थे जी। सुनीता दुग्गल यहाँ के लोगों के लिए नया चेहरा है जी, तो क्या अशोक तंवर को इसका कोई बेनिफिट मिलता है कि वो एक बार सांसद रह चुके हैं? बिल्कुल मिलता है, लोगों के सुख दुख में भी जाते हैं वो, सुनने में आया, देखते हैं जैसे आते हैं हमारे। और सुनीता दुग्गल भी अपनी जगह बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, तो इसमें तो यही हो सकता है जी, जब तक एक कैंडिडेट इसका लोकदल का जब तक नहीं आता सामने, तब तक हम कुछ भी क्लियर सिचुएशन नहीं कह सकते। कैंडिडेट तो एक बढ़ भी सकता है क्योंकि लोकदल से जेजेपी अलग हो चुकी है, तो इस बार कोई उम्मीद है कि उनके दोनों के अलग लगाएंगे प्रत्याशी? बिल्कुल उम्मीद है जी, दोनों के अलग लगाने की उम्मीद है, लोकदल से अलग आएगा, जेजेपी से अलग होगा। तो इस वक्त चरण सिंह रोड़ी जो हैं यहाँ के सांसद हैं, उनसे लोग कितने प्रभावित हैं, कितने खुश हैं? काम किया है हल्के में, कभी आए हैं नहीं है, क्या रिपोर्ट्स आपके पास रहती हैं? हल्के में तो उनका नाम अत्रसा ही है जी, हमारे फतेहाबाद क्षेत्र के अंदर तो उनकी मतलब कुछ भी नहीं रहेगा उनका, अगर हम देखें तो। और फतेहाबाद शहर है, यहाँ से रतिया लगता है नज़दीक, भूना, भट्टू जो ये एरिया है, तो यहाँ पे
अशोक तंवर जी भी आगे हैं और सुनीता दुग्गल जी भी कम नहीं है, हम दोनों में से अभी किसी को कम आंक नहीं सकते। ये देखना अभी बाकी है कि लोकदल का कैंडिडेट कौन आता है या जेजेपी का कौन आता है, उसके आधार पे हम आगे। आपकी कैलकुलेशन ये है कि फाइट रहेगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और टफ फाइट आप बताते हैं कि टफ फाइट रहेगी। एग्जैक्टली क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, आज ही बीजेपी के कैंडिडेट की घोषणा हुई है, तो शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ चेंज नजर आए जी, लेकिन आज स्थिति ये है, आज स्थिति ये है, फाइट रहेगी। शुक्रिया मेडर साहब बात करने के लिए। क्या नाम है साहब आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र में किसका सीन समझते हो आप, बीजेपी कांग्रेस इनेलो या जजपा कोई और? देखिए जी, अगर हम थोड़ा पीछे के इतिहास की ओर जाएं तो जहां तक मेरे को नॉलेज है, जितना का मेरा अनुभव है, आज तक के इतिहास में जब हरियाणा बने 1966 के उसके बाद में सही धरातल पे ग्रास रूट पे अगर देखें तो डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी जो जिस प्रकार से नया कैंडिडेट आया था उस हिसाब से गाँव हर गांव के अंदर डॉक्टर साहब ने पहचान बनाई है। और सुनीता दुग्गल, अभी 5 साल की हम बात करें, जो बीजेपी का एक चेहरा भी इन्होंने उतारा है, सुनीता दुग्गल जी सरकार होते हुए भी ऐसा कोई भी सरसा के अंदर ना तो नया कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ना ही ये गांव में, अब इलेक्शन आया है तो इन्होंने जब दबा दब ये गाँव में जा रहे हैं। आज चारों तरफ से देख लो, ये किसान मंडियों परेशान है, आप भी लगातार जाते हो, किसानों से बात करोगे तो आज तक इनका जब मैं चौकीदार हूँ नारे चल रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, तो एक भी आदमी कोई साबित कर दे सुनीता दुग्गल कभी किसान के बीच में गई हो? सारा मजदूर तबका रोड के ऊपर हर रोज नहीं, हम कई गांव में गए हैं, वहाँ लोग ये कह देते हैं कि भाई मोदी के कारण हम वोट देंगे, मोदी की लहर है, कहते हैं बम गिराए थे उससे बड़े प्रभावित हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं है, ये तो इन्होंने पूरी की पूरी मीडिया और पत्रकारों को इनके माध्यम से इन्होंने कैप्चर करके इन्होंने ये दिखाया, कुछ नहीं हुआ जो मोदी इतना बखान कर रहे हैं। तंवर जब सांसद रहे थे 2009 में जीत के आए थे, तो कोई काम वाम किया था उन्होंने यहाँ? तंवर साहब ने जी, सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको कि मैं तो मेरे अनुभव बता रहा हूँ, जो मेरे जो बात है कि जब ये पहली बार सांसद बने, आज इस इलाके में 5 आरोही मॉडल स्कूल लेके आए, हर गांव बुना एक छोटा सा शहर है, कांग्रेस इनेलो की सरकारें रही, बीजेपी की बीच में सरकार रही और कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तंवर साहब जब से आए उसके बाद में बुन्ना के अंदर नया बस स्टैंड बना, बुन्ना के अंदर हॉस्पिटल बना, यहाँ बस स्टैंड की नींव रखी, यहाँ अनाज मंडी फतेहाबाद के अंदर बनाई गई, 5 अरोही मॉडल स्कूल जो पूरे दुनिया के अंदर नहीं है, तंवर साहब यहाँ लेके आए, रेलवे के बारे में तंवर साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी। अशोक तंवर ने इतने ही काम किए थे तो 2014 में उनको हारना क्यों पड़ा, क्यों हराया? देखो ये जनता की मर्जी, पब्लिक को कई बार बातें नहीं समझ पाती, जनता के मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि वाकई में तंवर बहुत मेहनती और संघर्षशील कार्य करता है, तो लोग उनको जरूर आशीर्वाद देंगे। देखो आंगनवाड़ी की हड़ताल चली, ANM की जीनम की हड़ताल चली, मजदूरों की हड़ताल चली, मैंने तो कभी नहीं कहा, कभी नहीं देखा आज तक के थे, कोई अखबार उठा के देखो सुनीता दुग्गल कभी भी उन लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं हुई कभी भी। अब ये मात्र डकसोले कर रही है, हमने ये कर दिया। मैं ये कहता हूँ अगर बीजेपी सरकार, उनका जो सबसे बड़ा हथियार था GST और नोटबंदी, उसको लेकर मैदान में आए, पता चल जाएगा कौन कौन चोर है और कौन सियार है।